गादां असिनी त्रिपुरा अ स्कूल बरताव जे तंग तंग नखुख्रै बंनि बागै जे सोंमानसोगोरथै बर्न ताव किसा याफारि खालांनाय हेंके अबंखा सिनि खुखै बुसारकनि बागै एकटा किसु सामुंदा बरक आजै रिमानो अबनि बागै से सोंखलांगो हेंके तां सं बहुत सं ताय बिसि कक सालिया सोंब जे मानतिखै खालांगो हेंके नरक जतन जन किसा 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 खाइपानो रेफाबे खेंगे जानाय जतै 600 टाकानो खालां मानजाव सोंब हेंके दया सागि द ओके Okay, Obunka, Sinity, TMB News and Entertainment Channel, Bukhati, Jesus Borno Yaparmo. Okay, Norgotono Hambai, Sungai Cox Haman Bagui, Tai Norgno, the Mansagorti, or the Luk Neroto, nor the Mansagorti, Hibene, Repibene, okay, Kakayo Rino Tonga, okay, Obsunum Situ, Jotono Kahamromaning Tung. जे ओ जे सारजना लांमारि लांखा हाकवागै फबजागै बरन बगे हाइ फाइदि जतन आरआईपी सात बार सेलेन आरआईपी 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 रेस इन पीस गुड इवनिंग फ्रेंड्स मैं आज फेसबुक लाइव में आया हूं एक इम्पोर्टेंट मैसेज अपने लोगों को देने के लिए और जो दिल के अंदर का बात है वो बोलने के लिए मैंने कल वीडियोस देखा जहां मैं बांग्लादेश में हमारे कैसे इंडिजिनस माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक्स हुआ बेरहमी से मारा गया घर जलाया गया और ये पहली बार नहीं हुआ है जब से शेख हसीना का सरकार गिरा है तब से पूरे बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के ऊपर हिंदू बंगाली हो खासीज गारोज जयंतियाज त्रिपुरीज चाकमाज मॉग्स हम सब के ऊपर अटैक्स हो रहा है ये अनएक्सेप्टेबल है और मैंने देखा है कि हम लोग चुप बैठे हैं मैं कभी भी हमेशा मैं कहता हूं कि एक देश का अस्तित्व तब बनता है जब वो अपने माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करे इंडिया में त्रिपुरा में मैंने हमेशा अपने माइनॉरिटीज के लिए बात किया है मुसलमान हो मैंने हमेशा उनके लिए पोजीशन रखा है और मैं नहीं चाहता हूं कि इंडिया भी बांग्लादेश जैसा बने लेकिन जब हमारे इंडिजिनस बंगालीज क्रिश्चियंस बुद्धिस्ट के ऊपर ऐसा अत्याचार हो रहा है तब हमको भी सोचना पड़ेगा कि हम लोग अपने लोगों को जो बॉर्डर के उस पार है उसके बारे क्या करें मैं जानता हूं कि जो हो रहा है वो प्लानिंग से हो रहा है ये सिस्टमैटिकली हो रहा है क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि वो हमारा जमीन ले ले हमारा घर को जलाकर ऑक्यूपाई करे और ये लोग मजहब के नाम में हमारे जमीन हमारे बीवी हमारे बहन हमारी माँ के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं हमारे यूथ को मार रहा है दिस इज अनएक्सेप्टेबल आज टिपरा मोथा ने YTF ने बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने प्रोटेस्ट किया पीसफुली किया लेकिन प्रोटेस्ट किया बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को भी मालूम होना चाहिए कि अगर हमारे लोगों के ऊपर ऐसा अटैक हुआ तो उनको भी जवाब देना चाहिए त्रिपुरा में ऑफिस बैठकर त्रिपुरा में एंजॉय कर अगर आप हमारे लोगों को हमारे लोगों के ऊपर जो अटैक्स हो रहा है उसका जवाब ठीक से नहीं दे सकते हैं तो आपका क्या काम है त्रिपुरा में बैठकर रहने के लिए जवाब आपको देना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ेगा और मैं रिक्वेस्ट करता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सरकार को कि आप भी स्ट्रांग स्टेप्स लीजिए हमारे लोग वहां में रोज मारे जा रहे हैं हमारे महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है और ये लोग रुकेंगे नहीं जब तक इंडिया ये मैटर को यूनाइटेड नेशन में नहीं ले जाता है द टाइम हैज कम फॉर इंडिया टू रेज दिस इश्यू एंड एक्सपोज बांग्लादेश in front of the entire world. I appeal to the government of India that this matter should be raised. The rights of the minorities being attacked in Bangladesh should be raised in the highest level in the United Nations. And let us embarrass Bangladesh. If they cannot protect the lives of the Hindus, the Christians, the Buddhists in Bangladesh, world aid should be stopped to them. Asian Development Bank should take them to task. And India should also rethink about whether we need to give them the perks that they deserve or not. बहुत हो गया और मैंने देखा है कि हमारे लोग बहुत लोग डरते हैं
आवाज उठाने से, आप लोग डरने से कुछ नहीं होगा। हम इंडिया में उसका जवाब मुसलमान के घर को जलाकर नहीं करेंगे, दैट इज नॉट द कल्चर ऑफ त्रिपुरा। यहां में हम माइनॉरिटीज का सुरक्षा करेंगे, लेकिन जब भी अत्याचार होगा उसका जवाब हम उनको बांग्लादेश में। इंडिया को भी सोचना चाहिए, अगर बांग्लादेश अपने माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट नहीं करता है तो एक अलग देश बनाया जाए, क्योंकि ये जो वो कर रहे हैं, उन्होंने पहले भी किया, नोआखाली में किया, कप्ताई डैम के समय किया, कुमिल्ला में किया, और आज फिर से कर रहे हैं, और हम लोग हमेशा चुप बैठे हैं, इसके लिए लोग करते रहते हैं। मत भूलिए हमारे त्रिपुरासा लोग, महाराजा बीर चंद्र लाइब्रेरी कुमिल्ला में उसको जला दिया गया, 3000 पुरानी किताब जो हमारा इतिहास था उसको जलाया गया। क्या करना चाहते ये लोग, क्या इनका मकसद है, इनको भी समझना चाहिए। और इंडिया शुड एक्चुअली सीरियसली कंसिडर एक्सपोजिंग बांग्लादेश एंड द प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन बांग्लादेश एट द यूनाइटेड नेशंस। दिस इज अ क्लियर केस ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन। जब बांग्लादेश को पूरे दुनिया के सामने हम एक्सपोज करेंगे तभी ये सब चीज को रोकेंगे। और हां, ये बांग्लादेश आज से 50 साल पहले बना है, हमारे लोग वहां में हजार साल से रह रहे हैं। अगर कोई देश अपने नागरिक का सुरक्षा नहीं करता है, अगर कोई देश धर्म के नाम में, मजहब के नाम में अपने नागरिक को अटैक करता है, तो वो देश टूट जाता है, और ये देश टूटेगा अगर ये लोग ऐसा काम करेंगे। आई एम टेलिंग यू ऑल, 26 तारीख को त्रिपुरा मोथा YTF एक रैली करेगा कंडेमिंग द अटैक्स ऑन द माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश। हम लोग खुद रैली करेंगे, और हम लोग भी इन सॉलिडेरिटी विद आर इंडिजिनियस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, द हिंदूज इन बांग्लादेश, द क्रिश्चियंस इन बांग्लादेश, द बुद्धिस्ट इन बांग्लादेश, वी लव यू एंड वी हैव आवर सेंटिमेंट्स, एंड वी विल डू एवरीथिंग पॉसिबल टू पुट प्रेशर इन आवर सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सपोज बांग्लादेश सो दैट दिस अट्रॉसिटी स्टॉप्स। एंड इफ द बांग्लादेश डज नॉट स्टॉप दिस अट्रॉसिटी, पहले भी पाकिस्तान दो टुकड़े में टूटा है, ज्यादा समय नहीं लगेगा जब बांग्लादेश भी दो टुकड़े में टूट जाएगा। मैंने सुना है, आई हैव हर्ड, कुछ लीडर्स बोल रहे हैं कि हम लोग नॉर्थ ईस्ट को कैप्चर करेंगे। आप लोग अपना देश को नहीं बचा सकेंगे, नॉर्थ ईस्ट और इंडिया को कैप्चर करने के लिए सपना देखना छोड़ दीजिए। हम लोग को हल्का मत लीजिए, हर त्रिपुरासा, हर हिंदुस्तानी, हर बंगाली, हर इंडियन अपने देश का सुरक्षा करना जानता है। आप लोग अपने देश में अपना लोगों को संभालिए, वरना हमको भी देखना पड़ेगा। अगर आपको लगता है ये वार्निंग है तो वार्निंग ही सही, लेकिन इनफ इज इनफ। हमें भी सोचना पड़ेगा आने वाले दिन में कि हम लोग आपके बारे, आपके मुल्क के बारे क्या सोचते हैं। आज जो मैंने कहा है इसका यह मतलब नहीं है कि हमारे मुसलमान भाई जो हिंदुस्तान में है उनके ऊपर अटैक होना चाहिए। बहुत लोग बेवकूफ लोग हैं जो माइनॉरिटीज के साथ बांग्लादेश में हो रहा वो इंडिया में करना चाहते हैं। यह हमारा कल्चर नहीं है। यहां में मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान भी हमारे संग खड़ा होगा और बांग्लादेश को कंडेम करेगा जो वो लोग कर रहे हैं। दिस इज माई मैसेज टू ऑल माई वॉरियर्स। 26 तारीख को एक रैली निकलेगा, मैं खुद रहूंगा, वी विल प्रोटेस्ट एंड वी विल डू एवरीथिंग इन आवर प्रेशर टू एक्सपोज द अट्रॉसिटीज ऑफ बांग्लादेश ऑन इट्स माइनॉरिटीज। वी विल नॉट लीव आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स अक्रॉस द बॉर्डर हेल्पलेस। दिस इज माई मैसेज टू ऑल। बेलाइनो हम्बाई।